दोस्तों, एडिडास और प्यूमा, इन्हें कौन नहीं जानता। पर क्या आप ये जानते हैं कि स्पोर्ट्स की दुनिया की सबसे बड़ी दो ब्रांड्स एडिडास और प्यूमा के फाउंडर्स भाई थे। जी हाँ दोस्तों, और इन भाइयों का नाम था एडोल्फ डेसलर और रुडोल्फ डेसलर। यह कहानी उन दो भाइयों की है जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े दो ब्रांड्स की शुरुआत की। शुरुआत तो की थी एक साथ, पर उनका ब्रांड फेमस होते होते अंत में दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इन दोनों भाइयों के बीच ये लड़ाई शुरू कहां से हुई, यह जानने के लिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। तो इन दोनों भाइयों की कहानी की शुरुआत होती है 1920 से, जब ये दोनों डैसलर भाई डैसलर ब्रदर्स स्पोर्ट शूज कंपनी में पार्टनर थे। यह भाई जर्मनी के एक छोटे से टाउन में अपनी माँ के लॉन्ड्री रूम में अपना काम करते थे, जहाँ एक तरफ एडोल्फ शांत स्वभाव के थे और जूते डिजाइन करने में माहिर थे, वहीं दूसरी तरफ रुडोल्फ बहुत ही बातूनी थे और इसलिए वे सेल्समैन का काम संभालते थे। इन दोनों भाइयों को सबसे बड़ी सफलता मिली 1936 में, जब 1936 ओलंपिक्स में जेसी ओवेंस ने उनके बनाए जूते पहने और 4 गोल्ड मेडल जीते और इस तरह पूरी दुनिया में उनके जूते फेमस हो गए। पर इस सक्सेस के साथ साथ उनके रिश्ते में भी दूरी आना शुरू हो गई। पहले तो घर में छोटे मोटे लड़ाई ही होते थे, पर उनके बीच की सबसे बड़ी तकरार आई वर्ल्ड वॉर टू के समय, जब दुश्मनों ने उनके शहर पर हमला करना शुरू कर दिया जहाँ पर डैसलर भाइयों का घर था। हुआ यह है कि बमबारी के दौरान जब एडोल्फ और उनकी पत्नी उस बम शेल्टर में पहुंचे जिसमें पहले से ही रुडोल्फ और उनकी पत्नी थी, एडोल्फ ने बमबारी करने वालों के लिए कहा, फिर यह घटिया लोग आ गए। पर रुडोल्फ को लगा कि एडोल्फ उन्हें और उनकी पत्नी को घटिया कह रहे हैं और इस तरह दोनों भाइयों में बड़ी दरार बन गई। धीरे धीरे यह दरार बस बढ़ती ही गई। साल 1948 में यह दरार और बड़ी हो गई और जब दोनों भाइयों ने कंपनी और एम्प्लॉयज का बंटवारा शुरू कर दिया, एडोल्फ ने अपनी कंपनी को नाम दिया एडिडास, वहीं रुडोल्फ ने अपनी कंपनी को नाम दिया प्यूमा। दोनों कंपनी ओरक नदी के आमने सामने थी और शहर का लगभग हर व्यक्ति दोनों में से एक कंपनी में काम करता था और दोनों भाइयों की इस लड़ाई में मानो जैसे पूरा शहर ही शामिल हो गया था। लोकल बिजनेस या तो एडिडास को सामान देते या फिर प्यूमा को, पर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं था जो एक साथ दोनों के लिए काम करता हो। एडिडास में काम करने वाला कोई व्यक्ति प्यूमा में काम करने वाले व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं रख सकता था और शादी तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि लोग किसी से बात करने से पहले यह देखते थे कि किसने किस कंपनी के जूते पहने हैं। आखिरकार साल 2009 में इस लड़ाई को खत्म किया गया जब दोनों कंपनियों के एम्प्लॉयज ने एक फ्रेंडली सॉकर मैच खेला। हालांकि इस मैच को देखने के लिए डैसलर भाई इस दुनिया में नहीं थे। इन भाइयों ने मौत में भी अपनी लड़ाई को जारी रखा। उनके शरीर को भी एक शमशान के दो अलग अलग जगहों पर इस तरह दबाया गया कि वे एक दूसरे से जितना हो सके उतना दूर रहें। दोस्तों, गलतफहमी हर रिश्ते में हो जाती है, पर हम उस गलतफहमी को पूरी उम्र सीने से लगाकर तो नहीं बैठ सकते ना। गलतफहमी को कब्र तक ले जाना केवल दर्द ही देता है। एडोल्फ अच्छे जूते बनाते थे और क्योंकि उनकी स्पोर्ट्समैन से काफी अच्छी जान पहचान थी, उनका बिजनेस अच्छा चला। लेकिन वहीं दूसरी ओर रुडोल्फ, जिन्हें केवल सेल्समैन का ही एक्सपीरियंस था, उनका बिजनेस बुलंदियों को नहीं छू सका। अगर ये दोनों भाई लड़ने के बजाय एक साथ काम करते, अपनी गलत फहमियों को दूर कर लेते, तो शायद दुनिया में सिर्फ दो ही ब्रांड अच्छे ब्रांड होते, एडिडास और प्यूमा। तो दोस्तों, अपने मसलों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना ज्यादा बेहतर है बजाय अपना सुख चैन खोने के। उम्मीद है कि आपको आज की बायोग्राफी पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।